मित्रों, बहुत ही जरूरी शेयर आपके साथ आज मैं कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई महत्वपूर्ण जानकारी मुझसे बने तो मैं आप तक उसको पहुँचाऊँ। मेरे पास यही एक माध्यम है। ये जो जानकारी है आज की, बहुत विशेष जानकारी है। ये सदमे को लेकर है, सदमा जिसको डॉक्टर लोग भी कंफ्यूज कर जाते हैं, इसको जज नहीं कर पाते कि ये क्या बीमारी है और कई पेशेंट मर जाते हैं। मित्रों, ये बहुत साल पहले की बात है, जब मैं राजकीय माध्यमिक पाठशाला खट्टा में पढ़ता था, तो वहाँ से एक बार मेरे मन में बात आई कि हमारा इष्ट देव जो है बालकनाथ जी हैं, तो हमारे गांव में एक वहाँ देवता जी आए हैं, तो मैं कहा चलो थोड़ा खीर फुलका वहाँ संतों के लिए किया जाए, भक्तजन जो आते हैं। तो साफरू एक गाँव है, वो मेरे घर से ही काफ़ी दूर है, 5-7 किलोमीटर दूर है, बाई रोड तो बहुत है। हमने कुछ सामान सामान इकट्ठा किया, सुबह 4-1 बजे मैं जाग गया, मेरी पत्नी मेरे पास हमारे साथ थी, तो उन्होंने भी कुछ मेरे को जो सामग्री होती है वो दी। वहाँ से आगे काफ़ी पैदल चलना पड़ता है, एक सती का मंदिर आता है जहाँ परंपरा के मुताबिक पत्थर फेंकते हैं। वहाँ जैसे मैं फीलिंग में आ गया कि यार धूप नहीं लाए, और मेरे में फीलिंग घर कर गई और वाइब्रेशन मेरे को शुरू हो गई। फिर मैंने जैसे कैसे वो जो अपना वहाँ देवता जी के पास जो भी परंपरा होती है वो की, पुजारी से आगे लेके मैं वहाँ से थोड़ा काफ़ी पैदल चलना पड़ता है ऊपर, और वहाँ से रिवर्सर पहुँचा जो हमारा एक स्वास्थ्य सरकारी केंद्र है। वहाँ पहुँचा तो मेरे ही सहपाठी, मेरे ही दोस्त वहाँ डॉक्टर सुभाष शर्मा जी, बहुत बढ़िया गैलेंट, और उनकी धर्मपत्नी लेक्चर रिवर्सर में थे। मैं उनके पास गया, दवाई ली, उन्होंने मेरे को काउंसलिंग किया पानी पीने के लिए, लेकिन सदमा इतना तेज था कि वाइब्रेशन बहुत तेज थी, मैंने खूब पानी पिया, मैं ठीक हो गया। सेकंड टाइम जब मैं यहाँ राजकीय हाई स्कूल उड़ीधार में आया, तो यहाँ एक शास्त्री जी होते थे हमारे पास साथ पहले, वो एक देवस्थान से ऊपर की तरफ एक और सरकारी स्कूल है प्राथमिक और माध्यमिक, वहाँ चाय के लिए मैं चला गया उनके साथ। एक और टीचर वहाँ बैठा हुआ था, वो बल की तरफ ही थे, तो वहाँ कुछ इस तरह से बात हुई कि मेरे को उसमें से शौकिंग अनुभव हुआ, और दोबारा वही सेकंड टाइम मैं डॉक्टर के पास आया, जो अमूमन दवाई देते हैं सर तमाम दुनिया की, वही छोटी छोटी दवाइयाँ उन्होंने दे दी मेरे को, लेकिन नो वाइब्रेशन स्टॉप्स, कोई वाइब्रेशन नहीं। बहुत मेरे को तकलीफ हुई, मैं अकेला ही रहता था, फीलिंग और थोड़ा लो हो गई। तो मैंने वही नुक्ता जो डॉक्टर सुभाष शर्मा जी ने, आजकल पता नहीं MD हैं कहाँ हैं, शर्मा जी को मेरा नमस्कार, लेकिन एक अच्छी काउंसलिंग जो मेरे आज तक काम आती है, मैं वहाँ भी ऐसा ही किया, खूब पानी पिया, ठीक हुआ। और जो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, और इस बात को अब लगभग 15-16 साल हो गए, थर्ड टाइम मैं अपने घर में था, मैं अभी जी भाई वीडियो बना रहा हूँ तो उससे 2-3 दिन पहले की बात है, मेरी पत्नी मेरे पास आई, बहुत बढ़िया हल्के फुल्के मूड में हमारी बातचीतें हुई, लेकिन इन बिटवीन बात मन में घर कर गई मेरे को दोबारा वही वाइब्रेशन,
अब मेरा बेटा भी वहीं था, सब वहीं थे, लेकिन मेरा घर थोड़ा थोड़ा दूर रहता हूँ, वो लोग थोड़ी दूर रहते हैं, वहाँ तक मैंने संदेशा पहुँचाया। तो मैंने नींबू और पानी का प्रयोग किया, तो कहने का मतलब जो ये सदमा जिसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं, अगर किसी मेरे व्यूअर्स को, श्रोतागण को, दर्शक को या आसपास, तो आप बिना दवाई के साथ उसका फिजिकल कांटेक्ट करके, उसकी ब्रीदिंग को नॉर्मल करके और उसको पानी पिलाकर इनो ले लें, फर्स्ट एड की जा सकती है, उसके बाद इलाज तो स्वाभाविक तौर पे आपको पता ही है ज़रूरी है। लेकिन ये जो मेरा ये लर्निंग टीचिंग एंड ऑब्जर्वेशन का जो ये रिसर्च का जो ये पठन पाठन का कार्यक्रम है मेरा यूट्यूब चैनल, तो इस पर जो भी जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ वो मेरे लगातार प्रयोगों द्वारा जो ज्ञान है वो विज्ञान में बदलता मैं स्वयं देख रहा हूँ, वो आप तक पहुँचा रहा हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।